खबर चंदौली जिले के चकिया तहसील मुख्यालय से है, जहां बुधवार को गांधी पार्क में भाकपा माले व खेगरा मस द्वारा दलितों के उत्पीड़न के सवाल पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें बोलते हुए खेगरा मस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य कॉमरेड अनिल पासवान ने कहा कि गायघाट के विदेशी राम का मामला हो, बबुरी में पिपरा के गरीबों का उत्पीड़न हो, शाहबगंज में महबूब आलम हवारी व जहूर अंसारी का मामला हो या इलिया में कुमकरण राम का मामला हो, पुलिस दबंगों के इशारे पर दलितों, गरीबों व अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है। उन्होंने कहा कि यह धरना प्रतीकात्मक विरोध है, अगर उत्पीड़न नहीं रुका तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में मिठाई लाल बिंद, शिव नारायण बिंद, विदेशी राम, महेश प्रजापति, लाल भरत मौर्य, विजय राम सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। जी बताएं, आज का ये धरना आप लोगों का किस प्रयोजन से निमित्त था? ये धरना हम लोग दे रहे हैं यहाँ पूरे चकिया क्षेत्र सीओ सर्किल में जितने भी थाने हैं, सभी थानों में गरीबों की बात नहीं सुनी जा रही है, दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। और सबसे बड़ी जो बात हुई कि यहाँ पे विदेशी राम है गायघाट के, वो भाकपा माले के नेता भी हैं, वो एक जमीन वो लिए हुए थे 25 साल से जिस पर कब्जा किए हुए थे और दबंग के इशारे पर, जबकि मामला कोर्ट में है और पुलिस की सह पर दबंग उस पर कब्जा कर रहे हैं और जब विरोध कर रहे हैं तो इन्हीं के घर की महिलाओं को पीटा जा रहा है और इनको जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ साहबगंज थाने में RTI कार्यकर्ता है महबूब आलम जी, उनको धमकी दी जा रही है। पिपरा गांव के सवाल को लेकर के बबुरी थाने में गरीबों के ऊपर ही 308 का मुकदमा लगाया जा रहा है। तो अभी हम लोग जो ये धरना दे रहे हैं वो इसको लेकर के दे रहे हैं कि पूरे इस क्षेत्र में जो पुलिस है वो पुलिस दबंगों के पक्ष में काम कर रही है। और आज हम धरना दे करके ये बताने आए हैं कि ये जो पुलिस काम कर रही है ये गलत है, और आने वाले समय में अगर पुलिस की यह कार्रवाई नहीं रुकती है तो हम इस लड़ाई को और तेज करेंगे और पुलिस के की नकेल को कसेंगे। धन्यवाद।